श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे पांच ऐसे काम जिससे समाज में और आपके घर परिवार में आपका अपमान होता है। रामायण, महाभारत, गरुड़ पुराण आदि ग्रंथों में कई ऐसे काम बताए गए हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। जो लोग वर्जित काम करते हैं उन्हें कई प्रकार के परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं आपको पांच ऐसे काम बताऊंगा जिनकी वजह से घर परिवार और समाज में मान सम्मान नहीं मिलता है, अपयश यानी अपमान का सामना करना पड़ता है। और ये हम नहीं कह रहे, ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं, मैंने आपको बताया। पहला है संतान की अनदेखी करना। यदि कोई व्यक्ति संतान के पालन पोषण में अनदेखी करता है तो संतान बिगड़ जाती है। संतान संस्कारी नहीं है और गलत काम करती है तो इससे अपमान ही प्राप्त होता है। जब घर के बड़ों की अनदेखी होती है तो संतान असंस्कारी हो सकती है। अतः माता पिता को संतान के अच्छे भविष्य के लिए उचित देखभाल करनी चाहिए। संतान को अच्छे संस्कार मिले इस बात का ध्यान रखना चाहिए। महाभारत में महाराष्ट्र धृतराष्ट्र इस बात के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है कि संस्कार कि संतान संस्कारी नहीं होती है तो पूरे परिवार का नाश हो जाता है। दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर चल रहा था लेकिन धृतराष्ट्र ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, उसने हमेशा बढ़ावा दिया दुर्योधन को। परिणाम सामने है, कौरव वंश का नाश हुआ और धृतराष्ट्र को भी अपमान का सामना करना पड़ा। फिर लालच करना। लालच करने से भी आपका घर और समाज में तिरस्कार होगा, अपमान होगा। जो लोग धनी हैं लेकिन घर परिवार की जरूरत पर खर्च नहीं करते हैं, धन के लिए लालच करते हैं, उन्हें समाज में सम्मान प्राप्त नहीं हो पाता है। धन की जरूरतों पर भी खर्च न करने या कंजूस होने पर धन की लालसा और अधिक बढ़ जाती है। इसे व्यक्ति और अधिक पैसा कमाने के लिए गलत काम कर सकता है। लालच बुरी बला है, ये बात सभी जानते हैं। बड़ी बड़ी मछलियां भी छोटे से मांस के टुकड़े के लालच में फंसकर अपने प्राण गवा देती हैं। इसी प्रकार इंसान भी धन के लोभ में फंसकर कई परेशानियों का सामना करता है। फिर धन अभाव होने पर अधिक दान करना। जो लोग अपनी आय से अधिक खर्च करते हैं, अत्यधिक दान करते हैं, वे कई प्रकार की परेशानियों का सामना करते हैं। आय से अधिक दान करते हैं तो आमदनी कम होने पर, धन अभाव होने पर भी शौक पूरे करना है, मौज मस्ती करना है, फिजूल खर्च करना पूरे परिवार को संकट में फंसा सकता है। इस काम से भी अपमान मिलता है। आप अपने दिखावे के लिए दान कर रहे हो और खुद आप प्रॉब्लम में हो तो एक ना एक दिन तो बात खुलेगी कि आप प्रॉब्लम में हो, तो आपका अपमान होना निश्चित है। दान करना चाहिए लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि बहुत अधिक मात्रा में या अपनी आय से अधिक दान नहीं करें। पुराने समय में राजा हरिश्चंद्र के प्रसंग इस बात का उदाहरण है। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी संपत्ति विश्वामित्र को दान कर दी थी। इस कारण राजा की पत्नी और पुत्र को भी भयंकर परेशानियों का सामना करना पड़ा था। फिर दुष्ट लोग के अगर आप साथ रह रहे हैं तो भी आपका अपमान होगा। अच्छी या बुरी संगत का असर हमारे जीवन पर होता ही होता है। यदि हमारी संगत गलत लोगों के साथ है तो कुछ समय तो सुख की अनुभूति होगी लेकिन परिणाम बहुत बुरा होगा। तो बुरी संगत से बचना चाहिए। इस बात के कई उदाहरण हैं जहां दुष्टों की संगत में लोग बर्बाद हुए हैं। दुर्योधन के साथ कर्ण, रावण के साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ श्रेष्ठ उदाहरण है। हमें दुष्ट लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए। फिर दूसरों का अहित करना। ऐसे लोग का भी अपमान होता है। जो लोग स्वयं को स्वार्थ को पूरा करने के लिए दूसरों का अहित करते हैं वे लोग इस काम के भयंकर फल प्राप्त करते हैं। इस काम से व्यक्ति के साथ ही परिवार को भी नुकसान पहुंचता है, अपमान का सामना करना पड़ सकता है। राजा कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए कई प्रयास किए लेकिन अंत में उसे ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। शास्त्रों में बताया गया है जो व्यक्ति जैसा करेगा उसे वैसा ही फल प्राप्त होगा। हम अच्छे काम करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे काम करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।